साहब देखिए मैं तब सभी करवत निवेदन करूंगा, आप जैसे जिगरी बहनों का आनंद ले रहे हैं उसी प्रकार से लेते रहेंगे। और ये आपके सामने दूसरा राउंड जारी है और सभी गाने वाले बारी बारी से आपको सुना रहे हैं। लेकिन भैया कवि लोग अपनी कलम से फिर से कुछ लिख रहे हैं और वो सुनिएगा क्या लिख रहे हैं। काम की और जिसमें बूंद पानी नहीं और वो मनुष्य किस काम का जिसने कदर जानी नहीं। सुनिएगा एक छोटी सी भवानी। आज माँ जानकी ने मणियों की माला हनुमान के हाथों में दे दी तो आज हनुमान ने उसे दांतों से तोड़ना शुरू कर दिया। तो आज हनुमान जी कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं भैया, अरे ना चाहिए हीरा मोती, अरे ना चाहिए और सुनो जानकी माँ, और मणियों की माला मेरे और काम की नहीं है। क्यों इसमें तो सूरत सीता राम की नहीं है, इसमें तो सूरत साथी हर पल में करता रहूं सिया राम भक्ति, हर पल में करता रहूं सिया राम भक्ति। और भैया सिया राम बसे मेरे अंग अंग में, सुन लो जान जाते हैं। आज वो करण अश्नापुर के लिए जा रहे हैं तो जाकर उन्होंने क्या देखा कि सोमराजोत्तम दुर्योधन अपनी भानपति के मेलों का पेरा दे रहा है। अर्थ में जवाब दिया कि बोलो सोच करे दुर्योधन, अरे बोलो सोच करे दुर्योधन तनपो दासी छाइए और फूल कमल सो चेहरा तरो रहे विकट मुर छाइए, सो कौन सो दर्द, अरे कौन सो दर्द कहूं मैं दिल को बहुत बहिए देरी भैया को शर्म रखेगो। तो आगे मराठी के माध्यम से क्या जवाब दे रहे भैया, अरे पीरो पर गयो गात बता दे, अरे पीरो पर गयो गात बता दे ओ
और बात मेरे सुन साथी, अरे ढाकर सो तू हो तो ले जा रहे हो गजरी बन को हाथी। छोटा सा गीत और गीत भी कहां से, आज की संतान कैसी रह गई है इस गीत के माध्यम से बताऊंगा आपको। लेकिन भैया पहले मुंबई वाले एक तर्ज लिख रहे हैं और वो तर्ज कौन सी सुनेंगे पहले। कभी प्यासे को पानी, सुनिएगा, कभी प्यासे को पानी और पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। देख भैया घर पे मैया ये भूखी, घर पे मैया ये भूखी बिलकती रहे। अगर बात अच्छी और सच्ची लगे तो केवल तालियां चाहूंगा मेरे लिए नहीं उस कवि के लिए। कहना भैया कैसे, घर पे मैया ये भूखी बिलकती रहे, लेकिन संत ब्राह्मण जी माने से क्या फायदा। हो 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 लेकिन माँ पे चूनर चढ़ाने से क्या फायदा। ओ हो 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 हो।
शर्म बूढ़े माँ बाप को भेजा वृद्ध आश्रम। हो 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 शर्म बूढ़े माँ बाप को भेजा वृद्ध आश्रम। बारे इंसान तूने और तजी क्यों शर्म और बूढ़े माँ बाप को भेजा वृद्ध आश्रम। लेकिन कर्म ऐसे किए तो ना होगा भला, कर्म ऐसे किए तो ना होगा भला, राम गुरु ज्ञान पाने से क्या फायदा। और सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। और भैया पिता पानी को प्यासे और बिलखते रहे शिव पे काबर चढ़ाने